हेलो यूवर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन की। तो चलिए, ट्रेन में बहुत सारी बातें हम आप लोगों से कर चुके थे। क्या बताए थे? बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, क्वेश्चन लगवाए थे। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन की बात कर ही लें। और कल ये हम आपको होमवर्क दिए थे और उसी की बात की, क्वेश्चन की बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 55 सेकेंड और 30 सेकेंड में क्रॉस करता जाता है, ठीक है। 55 सेकेंड में प्लेटफार्म को और 30 सेकेंड में व्यक्ति को, एक बात इतना क्लियर रखिएगा, सेकेंड, ठीक। अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर पर आर है, इसकी जो स्पीड है वो 198 किलोमीटर पर आर है, ठीक। तो हमें बताना है कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगा। तो प्लेटफार्म की लंबाई हम लोगों को बताना है। देखिए, ट्रेन की लेंथ को हम लोग L1 से डिनोट कर देते हैं और प्लेटफार्म की लेंथ को हम लोग L2 से डिनोट कर देते हैं। इतना बात क्लियर है या नहीं, पहले आप ये बताओ। क्लियर है, ओके। अब देखिए, यहां से एक काम हो जाएगा हम लोगों को कि स्पीड दिया हुआ है तो हमें लेंथ मिल जाएगा। देखिए, हम कोई और फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, आपका वही फार्मूला जो अब तक हम आपको बताए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस 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 यही फार्मूला। तो हमें जब ट्रेन का लेंथ चाहिए होगा, किसकी लेंथ? ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन के लेंथ के लिए एल इक्वल टू, बहुत आराम से हम लोग एक काम करें, स्पीड कितना दिया है, 198 किलोमीटर में दिया है, तो 5/18 कर लीजिए। और फिर देखिए, इतना दिया है। अब इसके बाद टाइम कितना, वो व्यक्ति को देखिए, सिर्फ पर्सन को 30 सेकेंड में, पर्सन वाला जो टाइम है हमारा वो क्या है आपका, 30 सेकेंड है। तो 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हमें कितना मिल जाएगा ट्रेन का लेंथ, सीधा देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा और ये 1 होगा और 5 होगा, यानी 55 होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30 से, और ये हमारा मिल जाएगा 165 आएगा ना, 165 ये आपका हो जाएगा लेंथ, किसी में मीटर में। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है, ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, बस एक काम करना है। अब स्पीड तो सेम ही है, तो स्पीड सेम है तो स्पीड इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम यही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रख लेंगे। कैसे रखेंगे, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं हम, 1650 और इसमें हम लोगों का टाइम कितना लगा था, तो 30 लगा था। और आगे देखिए, जब वो प्लेटफार्म को क्रॉस कर रहा होगा तो प्लेटफार्म का लेंथ और इसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ, दोनों ऐड होगा। तो दोनों जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को ट्रेन का लेंथ तो मिल गया है इतना, प्लेटफार्म का लेंथ हम लोग को क्या करना है, पता करना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है वो, 55 सेकेंड क्रॉस करने में। तो अब क्या करिए कि हम लोग बहुत आराम से इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ हमें 55 मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे याद होगा आप लोगों को कि 55 आया ही था। अब 55 का मल्टीप्लाई हम लोग 55 से कर दिए, 55 का मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 55 से, और यहाँ 1650 प्लस L2 आ गया हम लोगों का। जब क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा समझिएगा, 55 का मल्टीप्लाई 55 से कर लेंगे तो हम सिंपल सी एक बात बोलते, चलिए आइए पहले 55 मल्टीप्लाई 55, 55 अगर कॉमन ले लें इधर तो ये 55 आएगा और यहाँ पे -30 आ जाएगा क्या, ठीक है। कैलकुलेशन इजी बनाने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, L2 इक्वल टू ही 55 मल्टीप्लाई 25। अब 55 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, इसको 20+5 करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी करेंगे तो 1375 आएगा, किसमें, मीटर में। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, डेसिमल 1000 से किलोमीटर में, किलोमीटर में है, यही ऑप्शन हमारा सही है। देखिए
सारा बात क्लियर हो गया, क्लियर है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करिए, उसी तरीके से क्वेश्चन है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार रीड कर देते हैं, इंग्लिश में देखिए। अ ट्रेन मूविंग एट आई स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 30 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म 18 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये आपको बताना है। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे एकदम सीधा सीधा, अब देखिए अभी तो हम आपको एक पहला क्वेश्चन था इसलिए करके दिखाए। अब आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं ना, लेंथ इक्वल टू जो भी ट्रेन का लेंथ होगा वो 72 करिए मल्टीप्लाई 18 सेकेंड करिए, ठीक है, और 5/18 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा मीटर में आ जाए। अब यहां से 18 एक कैंसिल हो गया और हमें मिल गया लेंथ, हमारा मिल गया यहां पे 0 और यहां पे 36 360। ये हमारा किसका लेंथ है? L1 है, और L1 किसका लेंथ है? ट्रेन का लेंथ है। इतना बात क्लियर है या नहीं ये बताओ आप। बस ट्रेन का लेंथ मिल गया, हमारा काम हो गया, दोनों का स्पीड का वो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन का लेंथ यानी यहाँ पे लिखे 360 और इसको क्रॉस होने में 18 सेकेंड लगता है, यही था ना, 18 सेकेंड लगता है। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं तो ये 360 हमारा क्या हुआ, ट्रेन का लेंथ, और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है उसको L2 सपोज कर लेते हैं। भाई ट्रेन का लेंथ को अभी हम बताए थे आपको L1 सपोज किए थे हम लोग, ट्रेन का लेंथ L1 था और हम लोग का जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है उसको क्या सपोज कर रहे हैं हम लोग, L2। इतना बात क्लियर है, इसको L2 सपोज कर लिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि उनका टाइम 30 सेकेंड लग रहा है, तो 30 सेकेंड कर दीजिए, हो गया हम लोग का काम। ये देखिए अभी कैंसिल हुआ था, यहाँ पे बहुत आराम से लिखिए कितना, 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 360 प्लस L2, यानी आप बहुत आराम से कर सकते हैं 600 माइनस 360 और यहाँ पे L2। अब L2 इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे तो कितना आएगा, 240, और यही 240 आपका आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं मेरे भाई ये बताओ आप लोग, क्लियर हो गया? देखिए एकदम एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और खड़े व्यक्ति को 2 घंटे में पार कर सकती है, ठीक है, इंडिया का ट्रेन ऐसा हो सकता है, ठीक है, हुआ है कई बार। आइए आगे देखते हैं। अगर ट्रेन की लंबाई, अच्छा ये क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाए हैं यार, सारा क्वेश्चन UPSI में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति हमें बताना है। तो देखिए ट्रेन का लंबाई मिला हुआ है, खड़े व्यक्ति को काउंट नहीं करेंगे, किलोमीटर पर आवर में है, तो 500 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा किलोमीटर में। और देखिए व्यक्ति वाला सिर्फ देखिए, और बाकी डेटा ना फालतू दिया हुआ है, 4 घंटे का हम लोग का कोई यूज नहीं है, 1/2 कर दीजिए, ठीक है, 1/2 कर दी, 1/4 किलोमीटर पर आवर आया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.25 आएगा, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 0.25, यही देखिए ऑप्शन है आपका, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा, समझ आ गया। देखिए उसमें और डेटा का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन को 10 किलोमीटर घंटे 10 किमी की घंटे की गति से दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की गति बताइए। देखिए अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जो हमारा ट्रेन का लेंथ है वो कितना है, ट्रेन का जो लेंथ है वो है हमारा 250। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है सर। 10 सेकेंड किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गति एक व्यक्ति चल रहा है। अब पर्सन की जो स्पीड है उसको S1 कर लेते हैं, एक किसकी स्पीड है, पर्सन का, व्यक्ति का, ठीक है, पर्सन का स्पीड S1।
S1 है हमारा 10 किलोमीटर पर आर, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 20 सेकेंड में पार कर जाती है, टाइम कितना लेता है ट्रेन, 20 सेकेंड। ट्रेन का जो टाइम ले रहा है, ट्रेन टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, ट्रेन टाइम, टाइम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये बात इतना क्लियर है कि नहीं, ट्रेन का जो टाइम है, यहाँ टाइम है भाई, जो टाइम ले रहा है टाइम वो क्या है आपका 20 सेकेंड। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब आप देखिए कि ट्रेन की गति हमें बताना है कि ट्रेन की गति क्या होगा। देखिए जो भी रहा होगा अगर सेम डायरेक्शन में है, जब भी कोई अच्छा समझ लीजिए, देखिए कोई भी ए पर्सन की बात हो या कोई भी ट्रेन की बात हो, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है या दो ट्रेन ही हैं और वो सेम डायरेक्शन में है या बस ही है सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को ये जब भी क्रॉस करेंगे तो इन लोगों का जो स्पीड होगा ना वो आपस में माइनस होगा। स्पीड क्या होगा, आपस में माइनस होगा, ठीक है। लेंथ ऐड होगा, लेंथ जो होगा वो एल इक्वल टू एल वन प्लस एल टू होगा, चाहे वो ट्रेन का केस हो या ट्रक का केस हो, चाहे जो केस ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए पर्सन के रिफरेंस में पर्सन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, पोल वाला नेग्लिजिबल मानते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, समझिए बात। तो S1 माइनस S2 है, क्या है हम लोगों का, S1 माइनस S2 है, ठीक। और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 250, ठीक है, क्रॉस करने का टाइम भी दिया है हम लोगों को 20। अब एक बात है कि जो वहां पे दिया हुआ है आंसर हम लोगों को 10 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप क्या करो, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है। हम लोग क्या, पर्सन की स्पीड, पर्सन का स्पीड को S2 मानिए, रीजन ये है ना कि ये स्पीड स्लो रहेगा, पर्सन की स्पीड स्लो रहेगा तभी तो क्रॉस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 10 है यानी धीरा रहेगा यार, और क्या, 5/18, 5/18 कर दिए, और यहाँ पे जब हम लोग इसको क्रॉस करें तो ये कितना आ गया, 25/2, ठीक। अब यहाँ उधर जाएगा तो ऐड होगा, यहाँ पे भी देखिए कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा और यहाँ 9 मिल जाएगा। तो S1 इक्वल टू 25/2 प्लस 25/9 होगा, इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए S1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 18 यानी 25 मल्टीप्लाई 9, 225 प्लस 50, और यहाँ पे क्या आएगा, 18, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए A5 है और यहाँ पे 7 होगा और A2 होगा, ठीक है, और यहाँ 18 होगा, ठीक। इतनी हमारी स्पीड आनी चाहिए, मगर स्पीड इतनी है नहीं, ठीक है। स्पीड यार डेसिमल में हो जाएगा, आया है हम लोग का स्पीड, देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं किलोमीटर पर आवर में, चेंज करते हैं 5/18, अरे सॉरी 18/5 डिवाइड किए तो ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 7, 5 होगा और फिर 55। एक्चुअली है क्या ना, जितने भी ऑप्शन ये दिए हुए हैं सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर यही वैल्यू है तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ये बुक का मिस्टेक होगा या फिर टाइपिस्ट का मिस्टेक होगा, दोनों में से किसी एक का मिस्टेक होगा, ठीक है। तो A55 जो है वो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, A55 होगा, एक किलोमीटर पर आर में दिया है, सेकेंड में नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको, 180 किलोमीटर किमी की प्रति घंटा के रफ्तार से एक ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है, और उसी गति से 15 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। फिर से हमें सारा चीज तो मिल गया, मीटर सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए।
तो देखिए स्पीड दे दिया तो हम लोग ट्रेन की लेंथ बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेन की लेंथ को हम डायरेक्ट L1 से डिनोट करते हैं और इसी जगह फाइंड कर लेते हैं। ट्रेन की लेंथ L1 है और यहाँ पे हम लोग करेंगे 180 मल्टीप्लाई टाइम। देखिए खड़ा व्यक्ति को 8 सेकेंड में कर रहा है तो 8 कर दिए, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 कर दिए। AA कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हुआ तो देखिए कितना आएगा आपका, ध्यान से देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 14 यानी 400 आ जाएगा आपका लेंथ मीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, अब क्या इनकी सवाल है भाई आगे? फिर कह रहे हैं कि और गति 15 सेकेंड में एक सुरंग को पार करता है, तो हो गया हम लोग का काम। ये देखिए इसको करिए, कहिए कि 400 हम लोग का ये मीटर है, और टाइम आप खुद बताए कि सर 8 लिए हैं। आगे देखिए, इसके बाद वो बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे 400 लिख लीजिए क्योंकि L1 है और L2 हमें फाइंड करना है। L2 हम किसको सपोज करते हैं, प्लेटफॉर्म को सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, L2 हमें फाइंड करना है, तो ये 400 लिख दिए और L2 यहाँ पे आ गया। और देखिए यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हमारा 15 सेकेंड लग रहा है, तो ये 15 सेकेंड टाइम हो गया। ठीक, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो अभी तो मल्टीप्लाई किए थे, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 50। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 50 मल्टीप्लाई 15 और यहाँ पे 400। ठीक, प्लस L2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, L2 इक्वल टू सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो से कितना आएगा, 75। ठीक है, 15 × 75 यानी 750 माइनस 400, तो ए हमें मिल जाएगा कितना, मिलेगा 340, 350, 350 मिल जाएगा। 350 मीटर ए हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बात क्लियर है, एकदम बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन, 1725 मीटर लंबा एक ट्रक है और 127 किलोमीटर किमी घंटा की चाल से पर गतिमान है। ठीक है, और उसी दिशा में 97 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई 1625 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितने सेकेंड का समय लगेगा। अब डायरेक्शन सेम है, और यहाँ देखिए इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं, अ ट्रक 1725 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 127 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड विल इट टेक टू क्रॉस अ 1625 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 97 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ हमें कॉन्सेप्ट समझा लेने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए आ गया आपका एक कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे, देखिए जब भी क्या है ना कि डायरेक्शन सेम है, ट्रक का भी डायरेक्शन सेम है और उसका भी डायरेक्शन सेम है, किसका, ट्रेन का। तो ट्रक की स्पीड मान लीजिए S1 है और ट्रेन की स्पीड क्या है, S2 है। अच्छा ना, इसमें एक काम करिएगा कि जो ग्रेटर होगा ना उसी को S1 मानिएगा, माइनस करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो इन लोगों की स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और लेंथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और हमारा टाइम जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, ये फार्मूला टाइप का याद कर लीजिए और डायरेक्ट इस पे रख के हम लोग एक ही स्टेप में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, स्पीड माइनस होगा और लेंथ ऐड होगा अगर डायरेक्शन सेम है तो। ठीक है, ओके तो आइए देखिए इसमें हम लोग यही काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमसे पूछा है टाइम, तो यही काम करेंगे, तो टाइम पूछा है ना तो टाइम ही लिख लेते हैं, लो भाई टाइम। अब हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं, इनका स्पीड देखिए, पहले लेंथ देखिए कितना है, 1725 प्लस यहाँ पे देखिए 1625 है, 1625 मीटर में है, ध्यान से देखिएगा। स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो माइनस करने के बाद चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, 127 माइनस 97
मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो यहां पे ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ए 50 हो गया और ए 33। इतना बात क्लियर है या नहीं? अब यहां पे क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 5 और यहां पे 18 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। किसी से कुछ कैंसिल मत करिए, मल्टीप्लाई क्यों करें, यहां पे देखिए 3 से जब कैंसिल करेंगे यहां 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 6 और यहां पे देखिए 7। ठीक है, तो ए हो गया आपका 67 मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, 67 मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2, 4 और यहाँ पे 40, 402 मीटर आएगा जो हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए 402 मीटर सॉरी सेकेंड आएगा हमारा जो हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। बात समझ आया या नहीं, बात क्लियर है? हेलो, बात क्लियर है? ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये तो कॉन्सेप्ट बताए थे, इसका भी चाहे तो देखिए, ये डायरेक्शन सेम रहेगा तब के लिए है। ये डायरेक्शन क्या है आपका, यानी दिशा सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम के केस में है। अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1750 मीटर लंबा एक ट्रक है, फिर से वही, और 130 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है और 100 किमी घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में चल रहा है। डायरेक्ट यार वही है, टाइम पूछा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ट्राई करिए, इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं, देखिए आंसर कौन सबसे पहले देता है, देखते हैं हम। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक ट्रक है, और ट्रक इज द 1750 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड विल बी टेक टू क्रॉस द 1050 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इज द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 100। ठीक है, जल्दी थोड़ा ट्राई करिए, हो जाए। ठीक है, बस वही काम करेंगे हम लोग यहाँ फिर से टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए यार यूनिट लिखा नहीं, लगभग सेकेंड में ही होगा, आइए देखते हैं। टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस एक काम करने वाले हैं टाइम के लिए, डिस्टेंस जितना है सबको ऐड कर दीजिए, 175 प्लस यहाँ पे देखिए 1650। ओके, और स्पीड जो भी है माइनस कर दीजिए, तो देखिए 130 स्पीड है और एक स्पीड 100 है, डायरेक्ट माइनस करके 30 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 5/18 कर देते हैं। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा और 6, 12, 13, 14 हो जाएगा, तो 14 यानी 3400 लिख दें, यही होगा ना। देखिए 7 और 6 ऐड करेंगे यहाँ पे, ए आ जाएगा आपका ऐड करने के बाद। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है? अब देखिए 3400 ही आएगा, यहाँ देखिए 0 हो गया, 5, 10 और 1, 6 13, 14, 1, 2, 1, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, इस 18 को ऊपर ले जाइए कि तुम चलो ऊपर, और 30 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, और ये देखिए ए भी कैंसिल हो ही जा रहा है यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ कैंसिल करेंगे 5 के से तो 5 के साथ कैंसिल होकर क्या मिलेगा, इधर देखिए भाई 5 के साथ जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 6 और 8, यही मिलेगा। और टाइम का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 68 के साथ, तो 68 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू, हेलो समझ रहे हैं? ठीक है, 68 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 408 40। ठीक है, ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। समझ आ रहा है सब कुछ, समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, अब आइए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन है,
1575 मीटर लंबी एक ट्रक को, फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोग यार इस बार करके दिखाओ, ये लास्ट चांस है, इस बार करके दिखाई दो, एकदम देखने से पता चल रहा है 109 किलोमीटर पर घंटा के गति से चल रहा है और 79 किमी घंटा के गति से उस दिशा में चलने वाले इतना मीटर लंबी ट्रेन को पार कर जाती है। देखिए ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड जिससे जिसकी अधिक रहेगी वही माइनस करिएगा, ट्रेन की भी हो सकती है, ट्रक की भी हो सकती है, डिपेंड करता है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसी का उसी से माइनस करते हैं। तो यहां पे आइए, हम लोगों से टाइम पूछा है तो डायरेक्ट टाइम लेंथ आपस में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, लेंथ कितना है 1575 प्लस वहां पे देखिए और कितना है 1475। अब यहाँ पे क्या किए, माइनस किए, देखिए उन लोगों को माइनस करेंगे वन, देखिए यहाँ पे स्पीड आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्पीड ठीक है, तो 79 माइनस करेंगे तो ए होगा 0 और ए होगा 30 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है, तो 5/18 करेंगे तो क्या होगा 10 टाइम इक्वल टू, ठीक है, तो ये 0 और यहाँ पे देखिए 7/7 14/1 15 हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे 4/9 ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 4/9 10 हो जाएगा, 10 0 और 1/1 2/3 और अपान में हम लोगों को मिला पड़ा हुआ है 30 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई 18। अब देखिए ये 0 से 0 गया, यहाँ 3 यहाँ 6 आ जाएगा, इसमें कोई इफ बट डोंट नहीं है और यहाँ 6 और 1 आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 61 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपको तो पता ही है कि कितना मिलेगा 6 एंड 36, तो ये देखिए कौन सा है भाई 6, ये देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देते हैं हम होमवर्क, क्वेश्चन सुन लीजिए, एक ट्रेन 212 किलोमीटर पर घंटे की गति की स्टेशन ए से और बी के लिए चली है और 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किमी घंटे की रफ्तार से गति स्टेशन बी से स्टेशन ए के तरफ चली है, यदि दोनों स्टेशनों के बीच दूरी 855 किमी है तो दोनों ट्रेन में ए और बी में क्या अंतर मिलेगा, यही आपको बताना है, तो ए रहेगा आपका क्या होमवर्क, हम कल बात करेंगे इसके बारे में और इसके कॉन्सेप्ट और ढेर सारे क्वेश्चन के बारे में, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्रगति कोचिंग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा रिलेवेंट लगता है तो, अगर रिलेवेंट नहीं लगता तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच।